हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही खस्ता मठरी। मैदे से तो आपने इसको बहुत बार बनाया होगा, लेकिन आज हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। दोस्तों, उस मैदे इतना ही खस्ता बनती है और इनफैक्ट उससे भी ज्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि ये हेल्दी भी होती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और बाउल में हम डालेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा। एक कटोरी गेहूं के आटे पे हम आधी कटोरी सूजी का प्रयोग करेंगे। और अब मैंने इसमें डाला हाफ टेबल स्पून नमक, साथ ही हम एक चम्मच अजवाइन को अपनी हथेलियों के बीच में मसल के इसमें डालेंगे। ऐसा करने से इसका टेस्ट काफी इन्हांस हो जाता है। और यहां पे मैंने 5 चम्मच लिया है कुकिंग ऑयल, उसको मैंने गरम किया है और गरम करके इसमें डाला है। दोस्तों, इस तरीके से गरम करके डालने पे मठरी काफी खस्ता बनती है। और इसको हम अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से एक बार अपने हाथों से बांध के जरूर देख ले। अगर ये इस तरीके से लड्डू बंध जा रहे हैं, इट मीन्स हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो इसका रेडी करेंगे। दोस्तों, मठरी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से गेहूं के आटे की मठरी बना के देखिए। काफी डिलीशियस बनता है, हेल्दी भी होता है। आप इसे स्टोर करके लंबे समय तक कंज्यूम भी कर सकते हैं। और एक अच्छा सा डो हमारा रेडी है। दोस्तों, यहाँ पे हमें डो को फिर से लेना है और उसको हम 2 पार्ट में कर देंगे। और अब हमें बनानी है इनकी पूड़ियाँ। मठरी को अच्छा सा शेप देंगे। दोस्तों, दिखने में जो चीज जितनी सुंदर लगती है, उतनी ही खाने में का भी मन करता है। तो मठरी है, गोल गोल अच्छी लगती है, तो मैं इसे गोल बना रही हूँ। आपको अगर इसको किसी और शेप में रखना है तो आप उस शेप में भी इसको रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए इसको इसी तरीके से बनाएंगे। और अब मैंने लिया है एक ढक्कन को और उसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। कोई भी रिंग ले लें, जिस भी साइज का आपको मठरी काटनी हो उस साइज का लें। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम मठरी को शेप दे देंगे। दोस्तों, देखिए कितनी परफेक्ट हमारी मठरी बनी है, बिल्कुल इसी तरीके की मार्केट वाली होती है। और यहाँ पे मैंने एक फॉर्क लिया है, फॉर्क से हम मठरी की प्रिकिंग करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से इसमें छेद कर देने से मठरी हमारी अच्छी बनती है, अच्छी खस्ता हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा मीडियम हॉट हो चुका है और अब मैं इस मठरी को इसमें डाल दूंगी। फ्लेम हमारी लो टू मीडियम रहेगी और इसके बाद हम इस मठरी को पकने का पूरा टाइम देंगे। दोस्तों, बीच बीच में इसे स्पैचुला से चला भी दें।
मठरी हमारी हल्की सी गोल्डन हो चुकी है, ये पूरी तरीके से पक चुकी है, अच्छी खस्ता भी हो गई है और अब इसको एक स्टेनर पे निकाल लेंगे जिससे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो स्टेन हो जाएगा। इस तरीके से इस मछली को जरूर ट्राई करें दोस्तों, काफी अच्छा बनता है और सबसे अच्छी इसकी ये बात होती है कि आप इसे स्टोर करके लंबे समय तक कंज्यूम भी कर सकते हैं किसी भी त्योहारों के सीजन में, या फिर आप ऐसे भी इसको घर में बना के रख दें और एयर टाइट कंटेनर में रखें, बिल्कुल मछली एज इट इज बनी रहेगी और आप इसे लंबे समय तक कंज्यूम करें। कभी ट्रैवल वगैरह में जाना हो तो भी आप इसे लेके जा सकते हैं। हेल्दी होती है, गेहूं के आटे से बनी है और मैं एक पीस आपको इसमें तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर तक बहुत ही लाजवाब बनी है, बिल्कुल क्रिस्प है, काफी अच्छी लगती है दोस्तों। मैदे की मठरी से ये कहीं से भी आपको कम नहीं लगने वाली है। आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। Thank you very much. Thanks for watching. Bye bye. Till my next video comes, don't forget to subscribe my channel, like it, share it with all your friends and family. Bye bye. Till my next video comes. Hope you enjoyed this recipe.